Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। लो दार जी, कुछ खा लो, तुसी बहुत देर तक कुछ नहीं खादा। जब तक मेरा पुत्र घर नहीं आ जाता मैं अन्न नु हाथ तक नहीं लावांगा। उत्थे हॉस्पिटल दे च मेरा पुत्र मौत दे मुंह च पिया होया, मेरे गले च रोटी कितना जाएगी? नहीं दार जी, ऐ की बच्चों दे वांग जिद कर रहे हो। तुसी खाना नहीं खाओगे तो दवाई किदा लोगे? जे तुसी बीमार हो गए तो भराज नु चंगा लगेगा, नाले उपरो ना खाने नाल वीकनेस भी हो जानी है। तेनू मैं कहना ना, मैंने खाना, मेरा खाना इंज कर, तू मेज ते टक के रख दे, मुझे तो मन होएगा मैं खा लांगा। यही सही मौका है दारजी नू अलका दे खिलाफ पड़कान दा। मैं दारजी नू अलका दे खिलाफ ऐसा पड़कावांगी कि आप ही ओनू कैनेडा वापस भेज देंगे। इस अलका की हिम्मत किदा हुई कि मैनू मेरे घर वाले तो दूर करन दी, जदों उन्हां नू अज मेरी सब तो वध लोड़ सी। मैनू पता है, मैनू घर भेज के भी ओनू चैन नहीं मिली होनी। मेरे जान तो बाद ओने पता नहीं तुहानू की क्या होएगा। नहीं मम्मी जी, असी उन्हां तो बहुत पूछने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कुछ नहीं दसिया कि वो तुहाडे तो क्यों नाराज ने। अलका ने अगर इन्हां नूं मेरे खिलाफ नहीं भड़काया तो इहदा मतलब यह तो नहीं कि मैं ये मौका छड्ड दवां। अगर अलका राजवीर की भैन है तो मैं भी तो उन्हां दी पत्नी हाँ। भावें मैं राजवीर के बच्चे नूं जन्म नहीं दिता, पर मैं दिवांश नूं हमेशा अपने बच्चों नालों वध प्यार दिता है। जिहड़ी कुड़ी इन्ने सालों तो इस घर च कदे वड़ी भी नहीं, अज ओह इत्थे आके मैनू मेरे ही घर वाले तो दूर कर रही है। मैनू तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस घर विच कदे किसे ने उहदा साथ नहीं दिता, पर मैं हमेशा हमेशा चंगी भरजाई बन के उहदा साथ दिता है हमेशा। ते इहदा सिला मैनू इह मिलिया है, इन्ने सालों तो जेड़ी अपने भरा नूं इन्नी नफरत करदी सी, अज अचानक ही उहदे दिल विच राजवीर वास्ते इन्ना प्यार आ गया। ओहो, पहला ऐ तां दसो कि अलका ने तुहानूं हॉस्पिटल तों बाहर कढ़िया ही क्यों है? तारजी, मैनूं अलका ने कहा कि जदों तक राजवीर दा ऑपरेशन नहीं ना हो जांदा उदों तक अलका इस घर दी मालकिन है, ते जे ऑपरेशन तों बाद राजवीर बच जांदा बाकी दिया गल्लां बाद च करांगे। दर्जी, ते इस वेले उन्हें मैनू कहा कि उहदी गल मन के मैनू घर जाना पएगा, नहीं तो वो तमाशा करेगी। दर्जी, आखिर वो सानू सारिआं नू घर भेज के उत्थे कल्लिआं करना की चाहुंदी है? मैनू तो कुछ समझ नहीं आ रहा दर्जी। एक पासे ਉਹਦਾ ਰਾਜਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਰਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। तू ठीक कह रही है रीटा, ये अलका उत्थे रह के कल्लियां करना की चाहती है इहदा पता लगाना पएगा। मैं नहीं मानती कि अलका भराजी नाल कुछ गलत करेगी। इन्हां दोवां दी तां इन्नी पक्की यारी सी, फिर इदां किदां हो गया? नाले रीटा भरजाई ते मैनूं 1% भी भरोसा नहीं। जरूर रीटा भरजाई ने कुछ कीता होना। नयन, मैं हुण तेरे तो जो सवाल पूछन लगी हाँ उहदा जवाब तैनूं देना पऊगा। तू मैनूं दस कि
तू क्यों नहीं चाहती कि राजवीर दे ठीक होने बारे किसी नूं भी पता लगे? इहदे पिछे की कारण है? कारण तो थोड़े कोल भी होएगा ना भूआ जी। जरा तुसी दिवांश जी नूं मम्मी जी नूं कुछ भी दसन तो मना किया? हाँ कारण है, क्योंकि रीटा भाभी अजकल बहुत अजीब अजीब गल्लां कर रहे ने। उन्होंने जैसमीन नूं कहा कि राजवीर मर गया, पर रब की कृपा नाल राजवीर तो बिल्कुल ठीक है। मैनूं समझ नहीं आती कोई औरत अपने हसबेंड बारे इदां दी गल किदां कर सकती है। लोग तो अपने मरे हुए हसबेंड दे जिंदा होने दी दुआवां करते ने, ते रीटा भाभी अपने जिउंदे हसबेंड दे मरण दी दुआवां कर रहे ने। ये गल मैनूं बहुत परेशान कर रही है, ते ये गल मैं किसे होर नाल कर भी नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा कि मैं किहदे नाल गल करां, वो भी उदों जदों मैनूं पता है कि दिवांश दा दुश्मन घर च ही है। भूआ जी नूं सच्ची सब की फिक्र है, तो उन्हां दा शक बिल्कुल सही इंसान थे। मैनूं लगता है हुण टाइम आ गया कि मैनूं भूआ जी नूं मम्मी दा सच दस देना चाहिए। अलका भूआ जी, मैं जानती हूँ तुसी पापा जी ते दिवांश जी दे नाल बहुत प्यार करते हो, इसलिए जो गल अज मैं थोनों दसन जा रही हाँ ना उन्हें थोड़ा ध्यान दे नाल सुनियो। मैनू पता है तुसी मेरी गल ते भरोसा नहीं करोगे, पर थोड़ा इस गल नूं जानना बहुत जरूरी है। ये गल हुण तक मैं किसे नूं नहीं दसी। वो अच्छी कि मैं थोड़े ते भरोसा कर सकती हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।